ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले अपन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे थे अपन, उसके हमने कितने टॉपिक किए थे? एक एग्रीमेंट किया हमने, फिर क्या किया हमने? एग्रीमेंट मींस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर हमने किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर क्या किया था हमने? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर हमने फ्री कंसेंट किया और हमने कंसिड्रेशन किया था। ये पांच टॉपिक हमने किए एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए। अब लास्ट करेंगे अपन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रेक होगा, है ना? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या लिखा है, रीड करो, कोई कोई एक पर्सन रीड करो। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स इफ एनी पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट देखो, हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? सपोज कॉन्ट्रैक्ट है 100% होगा सपोज, तो फेल्स टू रिफ्यूज यानी मना कर रहा है, या फेल है मतलब कर ही नहीं पा रहा है। फेल्स टू परफॉर्म, 100% में से 75 किया, 25 नहीं किया, तो कितना पोर्शन नहीं किया? 25%। तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये 25। अगर 1/3 किया है और 2/3 नहीं किया, तो ये फेल्स टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो मना कर दे रहा है, एकदम रिफ्यूज कर दे रहा है, या फिर क्या हो रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है, फेल्स टू परफॉर्म। तो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखा है? देखो, दो तरीके से अराइज हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना है एग्जाम में। अब बताओ क्या होता है एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच? एक्चुअल मीन्स क्या होता है, मेरे को इनकी मीनिंग बताओ। बताओ, देखो एक्चुअल ब्रीच है और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है पता है? जब परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट टाइम, जब परफॉर्मेंस सपोज हमको आज कॉन्ट्रैक्ट को आज पूरा करना है सपोज, है ना, और हम आज ही उसको मना कर रहे हैं करने से, या फिर वो काम इन वर्क प्रोग्रेस में है, वो वर्क चल रहा है और सडनली किसी ने मना कर दिया, तो वो होता है एक्चुअल ब्रीच। और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? ड्यू डेट जो है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्म करने की, उसके पहले मना कर रहे हैं, वो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। देखो मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, शो कर रहा है कुछ? क्या हो गया सिस्टम को? ये देखो क्या शो कर रहा है स्क्रीन पे, एक्चुअल ब्रीच में टेक प्लेस आइदर एट द टाइम
परफॉर्मेंस इज ड्यू, मतलब सपोज आज ड्यू डेट है, आज कौन सी डेट है, 5th जैन है ना, तो आज ड्यू डेट है, तो जब परफॉर्मेंस ड्यू है उसी समय मना कर रहे हैं, और वैन एक्चुअली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होगा, इज द ब्रीच बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस, दैट इज द एक्ट ऑफ द प्रोमिसर विच मेक्स द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और बाय द प्रोमिसर इन सम अदर वे शोइंग हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट. इट मीन्स जब परफॉर्मेंस ड्यू है हम उसके बहुत पहले ही मना कर देते हैं तो वो अब नहीं हो पाएगा, या फिर इन सम अदर वे हम भाई दूसरे ऐसे तरीके से अपना इंटेंशन बताता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो वो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तभी उसकी मीनिंग में एक वर्ड लिखा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो उसकी मीनिंग में एक वर्ड लिखा था, क्या था उसके मीनिंग में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में एक वर्ड लिखा था, क्या था वो वर्ड बताओ, रिफ्यूजेस और फेल, रिफ्यूजेस, डेमोंस्ट्रेट, नहीं बेटा रिफ्यूजेस और इतना हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ आगे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल, तो आप दोनों, आपको दोनों की मीनिंग पता हो और आप उस समय कोरिलेट कर पाए पॉइंट्स को. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये देखो अब इसके इस पे क्या लिखा है उसको रीड करो. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑकर्स व्हेन अ पार्टी डेमोंस्ट्रेट हिज इंटेंशन टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो वोकल ओरल होता है वोकल, या फिर रिटन कंफर्मेशन में देगी, is not required. Failure to perform an obligation in a timely matter can result in a breach. By declaring an anticipatory breach, the counter party, अब देखो counter party कौन सी होगी, दो पार्टी है सपोज, एक first पार्टी है और एक second पार्टी है, तो अब जो भी मना कर रही है, सपोज second पार्टी काम करने से मना कर रही है, तो first पार्टी है वो हो जाएगी counter party. अब वो क्या लेगी, मे बिगेन लीगल एक्शन इमीडिएटली रेदर देन वेटिंग अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर एक्चुअली ब्रोकन. अब कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्चुअली में ब्रोकन हो मतलब जो एंटिसिपेटरी ब्रीच है वो एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक, एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट नहीं हो, इसलिए क्या होता है जो काउंटर पार्टी है वो लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, रेदर देन वेटिंग अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर एक्चुअली ब्रोकन. अब देखो फॉर एग्जाम्पल राजेश एग्रीज टू मैरी शांता, बिफोर द डेट ऑफ मैरिज राजेश हर्ड दैट शांता गोइंग टू मैरिड ये सुधर्मन वॉट एवर जो भी नाम है इसका, तो उसने सुन लिया तो अब वो क्या करेगा, उसका लीगल एक्शन ले सकता है उसके पीछे. नेक्स्ट इसमें देखो, दिस मे टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, ये किसका बता रहा है, एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस उसी दिन, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस. यहां तक कोई डाउट है तो पूछो फिर आगे बढ़ते हैं. बताओ कोई डाउट है यहां तक, नो मैम, क्लियर है सबको, नो मैम. अब नेक्स्ट देखो बेटा इसमें, ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में क्या आएगा, इफ any party to contract refuses or fails to perform his part fixed for performance it is called an actual breach of contract. ठीक, यहां पे क्या लिखा है, if any party has performed a part of the contract, मतलब कुछ part में काम कर दिया है और fails to perform the remaining part of the contract, इसको note कर लो अच्छे से या फिर screenshot लो. नेक्स्ट में मूव करूं,
अब देखो हमको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, रेमेडीज। रेमेडीज क्या होता है? ऑप्शंस अवेलेबल। रेमेडीज का मतलब है ऑप्शंस अवेलेबल टू द काउंटर पार्टी। ठीक है, अब क्या होगा अगर सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, मींस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, क्या फिर अब वो क्या करेगा। द लीगल रेमेडी इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट सीक्स टू अपहोल्ड अ पर्सन राइट्स और टू रिड्रेस अ ब्रीच ऑफ द लॉ। या तो उस होल्ड मतलब अपहोल्ड कर देना पर्सन के राइट्स या फिर रिड्रेस कर देना, अपोजिट कर देना उसका। व्हेन वन पार्टी ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी मे आस्क अ कोर्ट टू प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर द ब्रीच। द कोर्ट मे ऑर्डर द ब्रीचिंग पार्टी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, ब्रीचिंग पार्टी जो फर्स्ट पार्टी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, टू पे द मनी टू द नॉन ब्रीचिंग पार्टी। तो ये ब्रीचिंग पार्टी किसको पे करेगी मनी, काउंटर पार्टी को। तो ये रेमेडी अवेलेबल होती है, लेकिन ये रेमेडी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको वेरीफाई या क्वालिफाई करना पड़ता है। यहां तक कोई डाउट है? तो उसमें लिखा रहेगा सपोर्ट अगेंस्ट एन अपोनेंट। तो यहां पे अपहोल्ड अ पर्सन्स राइट मींस जिस पार्टी को धोखा मिला है मतलब ब्रीच हुआ है उसको सपोर्ट करना, किसके अगेंस्ट में, अपोनेंट। तो अपने पास अपोनेंट नहीं, अपने पास काउंटर पार्ट वो है, काउंटर पार्टी है जिसको सपोर्ट चाहिए, किसके अगेंस्ट में, जिस पार्टी ने क्या किया है, ब्रीच किया। बस आ रहा है समझ में? यस मैम। Types of remedies. अब ये options हैं जो available हैं। तो पहला क्या है? Recession, damages, quantum merit. फिर क्या लिखा है? Specific performance, suit for injunction. और injunction के बाद क्या लिखा है? इसमें नहीं दिया है injunction के बाद। इसमें एक add कर सकते हैं अपन। सिक्स्थ ऐड कर रही हूं मैं इसमें, ठीक है। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, ठीक। ये आप उसको एज अ सिक्स्थ पॉइंट इसमें ऐड करना। वैसे मेन ये पांच ही होते हैं। रेसेशन मींस क्या होता है? रेसेशन मींस कैंसिलेशन। रेसेशन मींस क्या होता है? कैंसिलेशन। सूट फॉर डैमेजेस, इसका मतलब होता है कोर्ट केस करना, ठीक, किसके लिए, डैमेजेस के लिए। सूट फॉर क्वांटम मैरिट, क्वांटम मैरिट की मीनिंग क्या होती है? As far as, या फिर ये भी बोल सकते हैं as much as deserve, ठीक। Suit for specific performance, जितना काम किया उतने के लिए, या suit for an injunction, injunction की मीनिंग क्या होती है? देखो आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, एक क्वांटम मैरिट और एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर जिससे हम सामने वाले को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोर्ट से किसी के लिए स्टे ऑर्डर लेना कि वो कुछ ऐसा काम नहीं करे, ठीक है। ये कब होता है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर का होता है, ठीक। हम वन बाय वन सबको डीप में स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले रेसेशन देखेंगे,
रेसेशन मींस, अच्छा रेस्टिट्यूशन बच गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट क्या होता है, रिटर्न करना या फिर रीस्टोर करना ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन पार्टी फ्रॉम द अदर. ठीक, तो इन छह पॉइंट्स की मीनिंग में कोई डाउट है तो पूछो पहले. सबने नोट किए ये पॉइंट्स? यस मैम. नेक्स्ट देखो, सूट फॉर रिसेशन. ये देखो, यहां पे देखो रेड, ये क्या है, कैंसिल. द टर्म रिसेशन रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इन सच केसेस इफ वन पार्टी हैज ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. देखो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, इफ वन पार्टी हैज ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन द अदर पार्टी मे ट्रीट द ब्रीच. ठीक, तो जो सेकेंड पार्टी है, ब्रीचिंग पार्टी, वो उसको क्या रिलीज मानेगी, एज डिस्चार्ज एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक, तो इससे क्या एज्यूम किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग अब निकल चुके हैं. डिस्चार्ज मीन्स फ्री हो जाना कॉन्ट्रैक्ट से. एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. Thus, in case of rescission of contract, the aggrieved or injured party, मतलब जो counter party जिसको मैंने बताया था, वो party जो suffer कर रही है breach की वजह से, is discharged from all his obligations of the contract. तो government क्या करती है, और ऐसे cases में court order क्या होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, तुमने तो ब्रेक कर दिया, तो जो सेकेंड पार्टी है उसको भी तो कुछ लॉस हुआ होगा, इसलिए वो सेकेंड पार्टी को गवर्नमेंट क्या कर देती है, डिस्चार्ज करवा देती है फ्रॉम ऑल हिज ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आ रहा है समझ में? बताओ यहां तक कोई डाउट है? यस मैम. देखो जब रिसेशन होता है, इट मींस कैंसिलेशन हो गया, तो वो पार्टी एग्रीव्ड मी और इंजर्ड का मतलब एक ही होता है. एग्रीव्ड और इंजर्ड मतलब जो पार्टी सफर कर रही है उसका नाम, जो कैंसिल कर रही है उसको बोलते हैं ब्रीचिंग पार्टी, और जो पार्टी सफर कर रही है जिसकी वजह से उसको बोलते हैं एग्रीव्ड, है ना, या फिर इंजर्ड, या फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था अभी, काउंटर. Is discharged from all his obligations of the contract. तो वो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, वो फ्री हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से. सपोज कॉन्ट्रैक्ट था 5,000 रेडीमेड शर्ट्स बनाने का, तो ये फर्स्ट पार्टी, इसने बोल दिया मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, या फिर सपोज इसने 100 बना के दी थी और बाकी 4,900 बाकी थी, तो जो जिसको चाहिए थी वो शर्ट्स, अब उसको तो नहीं मिल रही है, तो इसको क्या करने थे, इसको पैसे देने पड़ेंगे ना. तो ये जो 100 शर्ट्स के हैं, तो उस समय कोर्ट का अगर ऑर्डर आएगा तो उसको ये पूरे 100 शर्ट्स के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे. ठीक है, इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल हिज ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो अब उसको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रेक हो चुका है. आ रहे समझ में? यस मैम. नेक्स्ट देखो, केसेस पढ़ो.
अंडर फॉलोइंग केसेस द कोर्ट में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसिक्शन. कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आएंगी जब कोर्ट क्या करेगी, रिसिशन ग्रांट नहीं करेगी. रिसिशन मीन्स व्हाट? रिसिशन मीन्स क्या होता है? कैंसिलेशन, है ना. तो कोर्ट क्या कर देगी? रिफ्यूज कर देगी. मतलब कोर्ट क्या करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करवाएगी. इतना इजी नहीं होता है ना ये सब. तो देखो, द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस ड्यू टू चेंज सर्कमस्टांसेस. हाँ देखो, ओरिजिनल पोजीशन पे तो उनको रिस्टोर नहीं करेगी. आगे देखो, द पार्टी हैज एक्वायर्ड राइट्स इन गुड्स फेथ एंड वैल्यू ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसिटेड एंड दिस पार्ट कांट बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. देखो ये है आपका मेन पॉइंट. सपोज टू थर्ड पार्ट किसी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, वन थर्ड पार्ट अभी भी बाकी है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में से इस पोर्शन को हटा देगी, लेकिन इस वाले पोर्शन को बोलेगी कि कंप्लीट करो. ठीक. अब देखो, बट इफ अ पर्सन राइटफुली कैंसल्ड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज. देखो ये आपके काम का नहीं है. आप एग्जाम में सिर्फ वहीं तक लिखना जो मैंने आपको बताया, ये ज्यादा सब बीकॉम वालों के लिए है. यहाँ तक ये बस इतना लिखना है आप लोगों को. ये जो फर्स्ट स्लाइड है ना, बस ये आपके काम की, आप इसको बस यहीं तक करना. आ रहा है समझ में? यस मैम. इस वाली स्लाइड पे मत जाना आप लोग. अब एग्जाम्पल देख सकते हो. A contract to supply 10 kg of tea leaves for rupees 8000 to B on 15th June. A ने contract किया कि वो supply करेगा किसको? B को 15th June पे. ये देखो, ये A, ये B. ठीक है. A does not supply the tea leaves on the appointed day. B need not to pay the price. Obvious है ना. अब B इसको price क्यों pay करेगा जब इसने supply नहीं किया? B may treat the contract as cancellation as ka meaning and may sit quietly at home. B may also file a suit for rescission and claim damages. ठीक. तो अब B के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझे, रेसिशन टाइप का मतलब कैंसिलेशन, और वो क्लेम भी कर सकता है फॉर द डैमेजेस. आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल. Yes, ma'am. आप अगर कट टू कट ये एग्जाम्पल लिखते हैं एग्जाम में तो भी चलेगा. नेक्स्ट देखो. अब सूट फॉर डैमेजेस, ये सेकेंड है. डैमेजेस क्या होता है? देखो, डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अलाउड टू द इंजर्ड पार्टी. इंजर्ड पार्टी कौन सी है भाई? कौन कौन सी है इंजर्ड पार्टी? मैम जो सफर करती है. जो सफर करती है. फॉर द लॉस इंजरी सफर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के रूप में पे किया जाता है. द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग डैमेज इज नॉट पनिशमेंट बट टू कंपनसेट. देखो ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है. ठीक. ये एक तरीके का हम सामने वाले को कॉम्पनसेट करेंगे फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम इन द ओरिजिनल पोजीशन एज ही वुड हैव बीन. नेक्स्ट देखो, मतलब इन द ओरिजिनल पोजीशन एज ही वुड हैव बीन मींस क्या होगा? सपोज उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के बाद उसको 10,000 का प्रॉफिट होने वाला होगा. ठीक है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से उसको लॉस हो गया. तो वो जब वो डैमेज के लिए केस फाइल करेगा तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक एज ही वुड हैव बीन, वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता, तो इट मींस इसको 10,000 का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाएगी कोर्ट. आ रहे समझ में? उसको जितने का भी लॉस हुआ है उतने का उसको कॉम्पनसेशन दिलवाएगी. क्लियर हुआ है यहां तक? क्या लिख रहे हो तुम लोग? हर्ष
फर्स्ट था रेसिशन, सेकेंड था सूट फॉर डैमेजेस. अब देखो डैमेजेस एक होता है ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जेम्पलरी, नॉमिनल. डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट और फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट. अब हम इन सबको वन बाय वन स्टडी करनी है. देखो एग्जाम में आपसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछने वाला है, रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट आप लोग बताना रेसिशन जो मैंने अभी बताया और एक एग्जाम्पल. सेकेंड जब आप उसमें लिखेंगे सूट फॉर डैमेजेस तो आप डैमेज की मीनिंग बताना जो अभी हम लिखे थे, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ठीक, और उन टाइप्स ऑफ डैमेजेस की मीनिंग भी बताएंगे आप लोग कट टू कट जल्दी जल्दी. आ रहा है समझ में एग्जाम में कैसे करना है? यस मैम. अब देखो वन बाय वन डैमेजेस को स्टडी करते हैं. इन केस of the breach of the contract, following different types of damages can be awarded to the aggrieved party. तो देखो ordinary damage, ordinary damage क्या होता है, कोई explain कर सकता है ordinary damage? देखो meaning देखो. ordinary damage are those which naturally arise in the usual course of things from such breach. Ordinary सा damage होगा जो suppose अगर contract अगर हम break कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो normal छोटा मोटा loss होने वाला होगा वो, ठीक है, जो naturally occur होगा ही होगा, ठीक. The measure of ordinary damage is a difference between contract price and market price on the date of the breach. सपोज अगर हमने किसी को कुछ ऑर्डर दिया था, वो जैसे टी लीव्स का एक एग्जाम्पल देखा था हमने, वो कितने का था, 3200 का, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था ना इससे वो 3200 का था, लेकिन अगर हम तुरंत जाके मार्केट में लेंगे ना तो हमको 4000 का मिलेगा. तो देखो वो डिफरेंस कितने का है, 800 का. तो ये जो 800 का डिफरेंस है ये होगा ऑर्डिनरी डैमेज. देखो इसमें लिखा है ना, इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके ले रहे थे तो 3200 में मिल रहा था, लेकिन अब उसने कैंसिल कर दिया तो हमको मार्केट से लेना पड़ गया 4000 में. तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा अपना ऑर्डिनरी डैमेज. क्लियर है इसकी मीनिंग? यस मैम. ठीक है, अब अपन इसके बाद से कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.